नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश यादव और इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे BSc नर्सिंग की काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी, और सेकंड पॉइंट रहेगा अपना फीस कितनी रहेगी, प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी रहेगी। थर्ड पॉइंट पे है अपना बेस्ट कॉलेज कौन सा है। फोर्थ पॉइंट रहेगा दो या दो से अधिक बच्चों के समान नंबर है तो पहले कॉलेज किसे अलॉट होगी। फिफ्थ नंबर पर अपन डिस्कस करेंगे आपके जो कमेंट्स है, लगभग जो कमेंट्स आप करते हो उसमें से जो क्वेश्चन आपका अच्छा रहेगा वो कमेंट मैं आपको शेयर करूंगा सभी बच्चों के साथ। और सिक्स नंबर पे अपना क्या फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, इन सभी बातों को अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प जरूर होऊंगा। साथ ही आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके BSc नर्सिंग से जुड़ी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप पा सको। और BSc नर्सिंग से जुड़ी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे YouTube के इस आई बटन पे जाके और भी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने BSc नर्सिंग से जुड़े सभी इन्फॉर्मेशन बता रखी है, फीस डिटेल के बारे में, चालान डिटेल के बारे में और भी बहुत कुछ बता रखा है। और इसके साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब डिस्कस करते हैं अपना पहला पॉइंट, BSc नर्सिंग की काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, काउंसलिंग स्टार्ट होने की डेट लगभग मैंने बताई थी नवंबर लास्ट या दिसंबर शुरुआती में स्टार्ट होगी। तो आप बिल्कुल भी घबराओ मत, काउंसलिंग लगभग नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्ट में स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे वह राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की मेन वेबसाइट RUHS पे बता रखा है। इसमें अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड नहीं किया गया है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन अपलोड होगा मैं आपको बता दूंगा। सेकेंड पॉइंट है अपना फीस कितनी है। देखो चालान फीस, पहले मैं बात करता हूँ चालान फीस रहेगी 10,000 रुपये, जो सभी कैंडिडेट के लिए समान रहेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, SC ST BPL गर्ल्स बॉयज किसी भी कैटेगरी से हो, सभी की 10,000 रुपये फीस रहेगी। वो जो चालान बनेगा वो बनेगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से। जैसे और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद में बात करते हैं अपन कॉलेज फीस। SMS में तो कोई फीस है नहीं, कॉलेज SMS में सिर्फ एडमिशन प्रोसेस की फीस रहेगी, वही लगेगी। हाँ, लगने वाले 10,000 रुपये चालान की, जो 10,000 रुपये लगेंगे वह आपको रिफंड हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से रहे हो, OBC BPL जनरल किसी भी कैटेगरी से हो, सभी के 10,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। अच्छा, रिफंड कम होंगे, वो रिफंड होंगे आपके लगभग मार्च में जाके। और आप फीस डिटेल देखो, ये फीस डिटेल बता रखी है मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया, वो यहाँ पे आई बटन है इसमें मैंने डाल रखा है, आप वहाँ पे जाके ये कंप्लीट फीस डिटेल देख सकते हो। अगला पॉइंट है बेस्ट कॉलेज कौन सी रहेगी। देखो बेस्ट कॉलेज रहेगी आपकी, सबसे फर्स्ट नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज है SMS, और सेकंड नंबर पे है RUHS, और थर्ड नंबर पे आपके पास जो भी, आप जिस जिले से पास में पढ़ते हो आप अपने हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज चुन लेना, सभी कॉलेज बेस्ट है। गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट मैंने यहाँ आई बटन में डाल रखी है, आप जाके देख लो, उसमें मैंने गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों की लिस्ट डाल रखी है। तो आप यहाँ पे आई बटन में जाओ और कॉलेज। अगला पॉइंट है दो या दो से अधिक बच्चों के समान नंबर है तो पहले कॉलेज किसे अलॉट होगी। और फिफ्थ नंबर पे है आपके कमेंट्स, मैं इन दोनों बातों को बाद में शेयर करूंगा, इससे पहले मैं शेयर करूंगा आपके साथ क्या फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। हाँ, तो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। यदि आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, और यदि आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लेते हो तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। इसके बारे में मैं और आगे डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद में। अब लेते हैं अपन ये दोनों पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ, दो या दो से अधिक बच्चों के समान नंबर है तो पहले किसे कॉलेज अलॉट होगी, और साथ में आपके कमेंट्स। एक बच्चे ने कमेंट भी किया है, नाम है मनजीत यादव। मनजीत ने कमेंट किया है, सर अगर दो बच्चों के सेम नंबर है, दोनों ने SMS भर दिया तो किसको पहले मिलेगा कॉलेज। उन्होंने पूछा है कि यदि दो या दो से अधिक बच्चों के सेम नंबर है तो पहले कॉलेज किसे अलॉट होगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले कॉलेज मिलेगा 10+2 एग्जामिनेशन इन लेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जिसने 12th की एग्जाम कम अटेम्प्ट में पास किया हो उसे प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके बाद में एज, द कैंडिडेट ऑफ हायर एज या ओल्डर कैंडिडेट विल बी प्लेस ऑन हायर मेरिट, जो कैंडिडेट एज में बड़ा होगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी
वह कैंडिडेट सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा और थर्ड प्रायोरिटी रहेगी मार्क्स इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब टेंथ की एग्जाम में आपके अधिकतम मार्क्स रहेंगे उसे प्रायोरिटी दी जाएगी इसके बाद में। और फोर्थ नंबर पे है 10+2 एग्जामिनेशन, यानी कि आपके 12th के एग्जाम में जिसके अधिक मार्क्स रहेंगे उसे फोर्थ प्रायोरिटी दी जाएगी। और इससे जुड़ा मैंने एक वीडियो बनाया है, वो यहाँ मैंने आई बटन में डाल रखा, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। और इससे अगला पॉइंट अपना गवर्नमेंट कॉलेज में 50% सीट ग्रस कैंडिडेट के लिए होती है क्या? स्वम केन ने ये कमेंट किया है, गवर्नमेंट कॉलेज में 50% सीट ग्रस के लिए होती है क्या? हाँ, तो मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट जिसकी काउंसलिंग RUHS करा रहा है उसमें 50% सीट ग्रस के लिए रिजर्व रहेगी। अगला कमेंट अपना शुभम केन का ही अगला कमेंट है, सर एक बात क्लियर नहीं है कि अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए कितनी सीट है इन SMS कॉलेज फॉर एडमिशन ऑफ BSC नर्सिंग 2019, सर कंफर्म करके बताइए एक बार। तो मैं बता दूं, 15% सीट प्रत्येक कॉलेज में अदर स्टेट के लिए है। अदर स्टेट के लिए मतलब उसमें ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें राजस्थान के बच्चे भी शामिल रहेंगे। और बाकी बच्चे 85% सीट पे केवल राजस्थान के बच्चे ही सम्मिलित रहेंगे। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन आएंगे? जो मूल निवास राजस्थान के है वो तो आएंगे ही आएंगे, और इसके साथ में जिनके पेरेंट्स राजस्थान में जॉब कर रहे हैं वो भी राजस्थान में आएंगे। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने यहाँ आई वीडियो में आई बटन में डाल रखा है, आप वहाँ पे जाके देख लो। अगला कमेंट अपना शुभम केन का ही है, सर SMS में 15% में ऐसी कितनी गलत आ सकती है? तो देखो, अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आया है, जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आता है तब तक मैं बता नहीं सकता कि गलत की कितनी सीट आएगी। वैसे SC का कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है वो भी मैंने यहाँ पे आई बटन में डाल रखा है, आरक्षण के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने डाल रखा, आप जाके देख लो। अगला कमेंट है अपना मनजीत का, सर SMS वाले कॉलेज में 15 सीट अदर स्टेट वालों के लिए है, अगर वो नहीं लेते एडमिशन तो दूसरे बच्चे ले सकते हैं ना? हाँ, अगर 15 सीट है, 15 सीट में अदर स्टेट के भी ले सकते हैं एडमिशन और राजस्थान स्टेट के भी ले सकते हैं एडमिशन, इसमें मेरिट के अनुसार एडमिशन मिलेगा। अगला कमेंट है अपना विशाल का, विशाल ने कमेंट किया है, सर लेकिन फर्स्ट राउंड में कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल गया और मैंने सेकंड राउंड का वेट किया और सेकंड राउंड में भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, फिर तो फर्स्ट राउंड वाला अच्छा प्राइवेट कॉलेज भी चला जाएगा, सर इसका भी रिप्लाई दे दो प्लीज़, बहुत डाउट है। तो देखो, आपको जो भी डाउट हो वो मेरे को आप कमेंट कर दो, मैं कमेंट पे आपको आंसर दे दूंगा। और ये लगा कि मेरे को डाउट बहुत से बच्चों के रहेगा तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं बता दूँ, अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है, और कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो आप सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गई तो भी आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकंड राउंड में जब आप कॉलेज मिल गई उसके बाद में कॉलेज अपग्रेड, मतलब जो आपको कॉलेज मिल गई वो तो आपके पास है ही है, इसके अलावा आपके पास चॉइस मांगेगी, चॉइस पर हो गया आप अपवर्ड, जो भी आपको बेस्ट रहेगी कॉलेज वो, अगर आपको वो कॉलेज मिल जाती है तो सही है, आपको वो कॉलेज मिल जाएगी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया वहाँ से लेके अब आपको जो कॉलेज नहीं अलॉट हुई है वहाँ पे जाके जमा करा दूँ। अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है, इन्होंने पूछा, अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है और आपको जो पहले प्राइवेट कॉलेज मिल गई थी उसी में आप एडमिशन रखना चाहते हो तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगी, तो आपको जो पहले कॉलेज अलॉट हुई थी उसी में आप रह जाओगे। तो आपको, मेरे को लगता है कि ये जो डाउट रहा था वो समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। BSC नर्सिंग से जुड़े कोई भी, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दो, और साथ ही आप यहाँ पे इस आई बटन पे जाके
जरूर कोई ना कोई वीडियो देखना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको बीएससी नर्सिंग से जुड़ी सभी डिटेल आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहे। आई बटन को जरूर देखना। धन्यवाद दोस्तों।